तो जो कि देख सकते हैं आप लोग, एक कोहिमा पार कर गए हैं और रात को हम लोग मतलब गाड़ी को रेस्तना पड़ता है और टायर भी बहुत गर्म होता है, तो हम लोग वो नहीं किया, तो टायर अभी पंचर हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं डिमापुर टू कैफ्री रात को दोनों टायर पंचर लगा के। यहाँ पे देखिए दो चेक लगाया हम लोगों ने और अभी यह हम पंचर बना रहे हैं, जो कि सब हम लोग को गाड़ी में होता है सिस्टम जो है यहाँ का हवा डालने का और जो गम वगैरह होता है। और यहाँ पे हम लोग पंचर वंचर बना के निकल चुका है, यहाँ पे जगह का नाम भी पता नहीं है, आगे जाके दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी है, यहाँ पे घर भी है, बस्ती भी है और आसपास का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। मैंने कभी पहले एक बार आया था, वो भी रात को आया था, इतना अच्छे से दिख नहीं पाया, तो आज तो सुबह से हमारा सफर शुरू किया है। तो ये हम लोग का दो गाड़ी है, कहाँ गाड़ी हो लगे तुम्हें, कहाँ से हो लगे तो हम लोग सामान लेके निकल चुका है वहाँ पे और जाके देखेंगे कहाँ अच्छा, रोड भी बहुत ख़राब है ना, तो थोड़ा जगह देखिए हम लोग सामान लगा पाएंगे, खा के उसके बाद निकलेंगे। आज सिंगल रोड है और बहुत ही खतरनाक है, व्यू भी बहुत अच्छा आता है जगह जगह पे, सामने देख सकते हैं आप लोग दिखाएंगे और पहाड़ी पहाड़ देख के अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतना गर्म नहीं होता जितना डीमापुर में होता है और बाहर में, यहाँ पे हमेशा 25-26 ऐसा होता है यहाँ का टेम्परेचर जो होता है, वेदर टेम्परेचर। और रास्ता भी तो ढलान है, सामने तो बहुत ही डेंजर है, आपको तो दिखाएंगे सामने जितना जा रहे हैं उतना ही ढलान है और रास्ता भी इतना ख़राब है कि जा नहीं सकते। देखिए गाड़ी इतना हिल रहा है कि पता नहीं कब गिर जाएगा, वो भी डर है, पर क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं और सामने देखने रोड कैसा है, लगता है इतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी देखना पड़ेगा, देख के जाना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो गया गेम ओवर हो जाएगा। छोटा गाड़ी ये निकल जाएगा, अभी हम लोग का गाड़ी आएगा इस बीच जाने के बाद, बहुत मेहनत से हम लोग रोड बनाया है, अभी रंग पाने वाला है।
रिकॉर्डिंग बाद कर चुका है और यहाँ पे थोड़ा मेहनत मिला है, देखते हैं और भी ख़राब होगा कि नहीं, पता नहीं। अभी कभी गया भी नहीं था, आज पहली बार जा रहा हूँ। पहले भी मतलब गया था रात को, ऐसा देखा नहीं थी उसमें, और मौसम अच्छा था उस टाइम में, तो बारिश नहीं हो रहा था, रोड अच्छा था। अभी तो पूरा मियाँ खलीफा जैसा हो गया रोड भी। नीचे नदी है और यहाँ पे जो लैंड साइड हुआ था, यहाँ पर दिखाई नदी का कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पर यहाँ का व्यू और मौसम बहुत ही अच्छा है। लैंड की नदी भी है दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी होता लैंड स्लाइड, देख सकते हैं आप लोग, पूरा रास्ता खराब कर रख दिया, बहुत ही संभाल के जाना पड़ता है। तो आगे जाके दो ट्रैक मिला है जो कि वहाँ से आ रहा था, और अभी हम लोग जाके पूछेंगे यहाँ का मतलब सामने का रोड कैसा है, वहाँ जाएंगे। चलते चलते हम लोग यहाँ पे आ चुका है और सामने लैंड स्लाइड हो गए, हम लोग रुक गया है क्योंकि जा नहीं सकते, तो यहाँ का माटी मिट्टी जो है ऊपर से गिरा हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। और वहाँ पे एक फोकलिंग और एक चीज भी है, अभी दिखाएंगे सामने जाके, फोटो खींच भी तो हाँ। यहाँ पे हम लोग का छोटा भी है, देखने के लिए क्योंकि अकेला फोटो बना लिया मेरा हैंडीमैन, हैंडीमैन नहीं है मेरा छोटा भाई चाहिए, और देख सकते आप लोग इसको हटाने के बाद ही जाना पड़ेगा। एक लाख होगा दे, कितना टाइम लगेगा कुछ नजर पर आगे देखिए। तो फाइनली हम लोग एक घंटा वेट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुका है, और रोड भी हो रहा बहुत ठीक है, स्लिप होने का चांस बहुत है, संभाल के जाना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर जो है वो तो बहुत ही हैवी है। पहाड़ी इलाके में ड्राइव करना इतना ईजी नहीं होता है जितना मेन रोड में होता है, और प्लेन जगह में जितना ईजी होता है उतना ईजी ऑफ रोडिंग में नहीं होता। वहाँ से देख सकते हैं, वो देख सकते हैं रोड है सामने, वहाँ पे जाना है, वैसे ब्रिज भी नहीं है तो घूमने जाने का, पूरा नीचे तो घूमने के जाने का। पता नहीं रोड है या खेत है, समझ में नहीं आ रहा है, देखे दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब है सर। अगर गाड़ी एक बार थोड़ा दब गया तो नहीं जाएगा, और यहाँ पे आगे पीछे कोई देखने वाला भी है नहीं, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो संभाल के जाना पड़ता है। और ऐसा रोड में ड्राइव करने के लिए मतलब एक्सपीरियंस भी बहुत होना पड़ता है। एक गाड़ी फंसा हुआ है, उसके लिए रुकना पड़ेगा, रुक के उसके बाद जाना पड़ेगा उसको निकालने के बाद। हम लोग मांग रहे लोग, तो गाड़ी भी निकाल लिया हम लोग, अभी जाएंगे आगे। आप लोग रोड देखिएगा, इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, पता नहीं कितना देर में पहुँचेगा वो जगह। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था एक बार नहीं, पता नहीं कितना बार हुआ था, और साफ किया जैसा लग रहा है।
यहाँ पे रुक चुका है क्योंकि सामने जाम है, वहाँ पे जा नहीं सकते। ट्रक एक फंसा हुआ है बोल रहा था, और जो भैया है जो वहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद खा के आराम करेंगे। और ये है छोटे मियाँ, छोटे मियाँ है ये, और यहाँ पे रुका हुआ है हम लोग। पता नहीं जगह का नाम भी क्या है, आप लोग नज़ारा देख सकते, बहुत ही अच्छा है। और नीचे नदी भी है, जाम करने से तो डाउट नहीं है, नहीं मरेगा बोल के। अभी हम लोग खाना वाना बनाएंगे यहाँ पे, आप लोग को दिखाएंगे। छोटे में क्या क्या है रे गाड़ी अंदर, कैसे बनाएगा? मस्त बनाएगा आज। क्या है यहाँ पे, हम लोग स्टॉक से खाना बनाने वाला है, तो अभी डीजल निकालना पड़ेगा ऐसे। तो छोटे में डीजल निकाल रहा है, देखिए। ना थी बेसि बुझे, चल 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 अच्छा करते करते छोटे में तो डीजल भी पीता है। 200 से बेचेगा, 200 से बेचेगा। 2 लीटर का बोतल, 2 लीटर। सर स्टॉप नहीं चल रहा है, साला डीजल है या पानी है रे छोटू, क्या डाला है तूने इसके अंदर? सब करके डाला था इसलिए साला जल नहीं रहा है। काय जल नहीं रहा है यार, क्या बात है। जल के जल गया थोड़ा थोड़ा। अभी खाना बनाने वाला है, ये इधर रेडी है, ये सब जल चुका है अभी। और यहाँ पे काट के रखा है सब कुछ, खाना भी पकने वाला है। और हम लोग पानी का टैंक दिखा यहाँ पे है, छोटे में पानी निकल रहा है। और ये हमारा पानी का टैंक जो कि ट्यूब से काट के बनाया है हम लोग, तो पानी निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे मछली है, तो होना पड़ेगा। आज शायद यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि मौसम इतना अच्छा नहीं है और बारिश होने वाला है, देख सकते हो आप लोग। कितना कीजिए सामान? 1 kg कितना होगा? 1 kg सर बोलो सुना लो हमने ऐसा जो काला तो हाथ पर नजर देना काट चको दो हां लो काम रे दे काम तो दे खाओ काम रे ना दे। छोटे में चटनी बना रहा है और ये भैया बैठ रहा है पे। क्या हाल है भैया? रास्ता ब्लॉक है। खुला ही नहीं खारे भी ला रहा की छोटे में सब्जी बनाया है, पता नहीं कैसा होगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। टेस्ट कर दो, नमक हुआ कि नहीं, राखे दिख दे। देखो आलू एकदम भोगा, आलू भोगा हो गया क्योंकि मांस कैसा होगा, मांस तो ठीक ही है, ठीक ही लग रहा है ना, तेल ज्यादा। चलो रख दो, तो हम लोग खाना वाना बना के खा लिया है और एक भाई ये खा रहा है। और आज हम लोग आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सामने ट्रक फंसा हुआ है और मौसम भी इतना ठीक नहीं है। और हम लोग जहाँ पे जा रहा है वो 350 किलोमीटर है, दिमापुर टू केफ्री है, तो इसीलिए आज यहीं पे रुकेंगे और कल निकलेंगे यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही बनाएंगे, और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। सफ़र भी लंबा है इसलिए देखेंगे क्या होता है।
कितना दिन लगता है वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो अब वीडियो अगर आप लोगों को पार्ट टू देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को एक बार दबा दीजिए बस। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगला वीडियो में पार्ट टू में। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।